योर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री महिंद राजपक्ष जी, डिस्टिंग्विश डेलीगेट्स, आयु बोवन, वणक्कम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र महिंद राजपक्ष को प्रधानमंत्री बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। कुछ दिन पहले इसके लिए मैं प्रधानमंत्री राजपक्ष और श्रीलंका के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका अनादि काल से पड़ोसी भी हैं और घनिष्ठ मित्र भी हैं। हमारे संबंधों के इतिहास का ताना बाना संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, कला और भाषा जैसे अनगिनत रंग बिरंगी धागों से बुना गया है। चाहे सुरक्षा हो या अर्थव्यवस्था या सामाजिक प्रगति, हर क्षेत्र में हमारा अतीत और हमारा भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में स्थायित्व, सुरक्षा और समृद्धि भारत के हित में तो है ही, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के हित में भी है और इसलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी शांति और खुशहाली के लिए हमारा घनिष्ठ सहयोग बहुमूल्य है। हमारी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ संबंधों को एक विशेष प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के श्रीलंका सरकार के संकल्प का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री राजपक्ष और मैंने हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। आतंकवाद हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है। हम दोनों देशों ने इस समस्या को डटकर मुकाबला किया है। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर डे पर दर्दनाक और बर्बर आतंकी हमले हुए थे। ये हमले सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, पूरी मानवता पर भी आघात थे और इसलिए आज की हमारी बातचीत में हमने आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भारत के प्रमुख ट्रेनिंग संस्थानों में आतंकवाद विरोधी कोर्सेज में श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लेना शुरू किया है। दोनों देशों की एजेंसीज के बीच संपर्क और सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। फ्रेंड्स, आज की बातचीत में हमने श्रीलंका में जॉइंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पर और आर्थिक, व्यापारी और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। हमने अपने पीपल टू पीपल संपर्क बढ़ाने, पर्यटन को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। चेन्नई और जाफना के बीच हाल ही में सीधी फ्लाइट की शुरुआत इसी दिशा में हमारे प्रयासों का हिस्सा है। इस सीधी फ्लाइट से श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र की तमिल जनसंख्या के लिए कनेक्टिविटी के विकल्प बढ़ेंगे और यह इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी लाभकारी होगी।
इस फ्लाइट को मिला अच्छा रिस्पांस हम दोनों के लिए प्रसन्नता का विषय है। इस संपर्क को और बढ़ाने, सुधारने और स्थायी बनाने के लिए और प्रयास करने भी हमने चर्चा की। फ्रेंड्स, श्रीलंका के विकास प्रयासों में भारत एक विश्वस्त भागीदार रहा है। पिछले साल घोषित नई लाइन्स ऑफ क्रेडिट से हमारे विकास सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। हमें खुशी है कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए 48,000 से ज्यादा घरों के निर्माण का इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा अप कंट्री क्षेत्र में भारतीय मूल के तमिल लोगों के लिए कई हजार घरों के निर्माण का कार्य भी प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री राजपक्ष और मैंने मछुआरों के मानवीय मुद्दे पर भी चर्चा की। इस विषय का प्रभाव दोनों देशों के लोगों के जीवन यापन पर सीधे रूप से पड़ता है और इसलिए हम उस मुद्दे पर कंस्ट्रक्टिव और मानवतापूर्ण अप्रोच जारी रखने पर सहमत है। फ्रेंड्स, श्रीलंका में रिकंसिलिएशन से संबंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार यूनाइटेड श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी। इसके लिए ये आवश्यक होगा कि श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने के साथ साथ रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को आगे ले जाया जाए। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री राजपक्ष का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से भारत और श्रीलंका की मैत्री और बहुआयामी सहयोग और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए सहयोग भी बढ़ेगा। बहुमा स्तुति नद्री, धन्यवाद। थैंक यू सर। इट इज नाउ माय प्लेजर टू इनवाइट हिज एक्सेलेंसी।